आज हम इस वीडियो में आपको घन घनाभ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। इससे पहले वीडियो में हमने फॉर्मूला और घन घनाभ क्या होता है, वो क्या चीज़ है, इसके बारे में हम बता चुके हैं आपको। हम आज इस वीडियो में हम आपको घन घनाभ के जो क्यूब, वॉइड एंड क्यूब, ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फॉर्मूला सारे होते हैं ना, वो फॉर्मूला से ही बनते हैं। तो आप ज़्यादा मेन फोकस आप फॉर्मूला पे करेंगे और फॉर्मूला को कोशिश करेंगे कि आपको फॉर्मूला याद हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं ना इस तरीके के, ये जो घन घनाभ है, चाहे बेलन हो, गोला हो या शंकु हो या हीरोन फॉर्मूला हो, इस सब में जो भी होते हैं इसमें फॉर्मूला बेस चैप्टर होते हैं, ठीक है। तो जब फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर होते हैं, इसमें अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो उसमें फॉर्मूला से रिलेटेड होते हैं। तो आप कोशिश करें कि इस चीज़ को आप पूरी तरीके से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आए तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऐसे में और अभी मैं ज़्यादा बातें करूँगा, बट अभी क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एक घन में कितनी सतहें होती है। अब घन की बात आपको हमने बताया था वीडियो में कि एक घन में, एक घन है, जैसे आप घन जो बनाते हैं वर्गा का, इसमें वर्ग के हेल्प से बनाते हैं, क्योंकि वर्ग में हम जानते हैं लंबाई और चौड़ाई जो होता है वो दोनों उसका सेम होता है, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ। तो यहाँ से आप ये लंबाई चौड़ाई इसका सेम होता है। घन में क्या हो जाता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है क्या, सतहें कितने होती हैं? तो सतहें इसकी छह होती हैं, छह सतहें होती हैं, ठीक है। तो हम आपको लिख दूं कि घन में सतह, तो कह रहा है इसमें कि जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि घन में कितनी सतहें होती है, तो वो छह सतहें होती है घन में। सतह की बात कर ले, छह होते हैं, हम काउंट करा के दिखाते हैं आपको। एक ये वाला पोर्शन, ये एक है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और जो पांचवी ये है, ठीक है, ये टोटल, और सिक्स ये है, 1 2 3 4, ये टोटल ये 5 एंड ये 6, ये टोटल सतह जो होती है वो कितनी होती है, 6, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, मैं बता दूं आपको, किसी घनाभ की लंबाई 12 है। अब हम एक फिगर बना लेते हैं, क्या एक घनाभ की फिगर बना लेते हैं। अब घनाभ में हम आपको बताए थे क्या कि घनाभ जो होता है वो आयत, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई घन में सेम होता है, बट घनाभ में नहीं होता है। तो अब घनाभ ले लो, ये आयत से, दो आयत के मिलने से बनता है। यहाँ से आप इसको मैच करो, ठीक है, उसके बाद ये, ठीक है, थोड़ी सी क्योंकि फिगर बनाना बहुत जरूरी होता है, इसमें फिगर आपको आएंगे। जैसे इसमें कह रहा है कि लंबाई जो है इसका, ये मान लीजिए इसका लंबाई अगर है, ये लंबाई कह रहा है क्या 12 है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि चौड़ाई जो है इसका, चौड़ाई जो इसका चौड़ाई है, ये चौड़ाई 2b है या b है, देख लेते हैं, इसका चौड़ाई जो है बी है, ठीक है। और ऊंचाई की बात कर ले तो ऊंचाई यहाँ पे h दे रखा है। तो कह रहा है यार इस क्वेश्चन में क्या कि, और जब h दे रखा है और आयतन भी लंबाई दे रखा है 12, चौड़ाई दे रखा है b और ऊंचाई h, तो पूछ रहा है क्या आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होगा। तो आयतन आप जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई तो क्या है, लंबाई आपके पास क्या है, आयतन को आप भी से डिनोट कर रहे हैं, बी इक्वल टू
बी इक्वल टू क्या आ जाएंगे, लंबाई 2l, चौराई b और ये h, मतलब बी इक्वल टू 2l bh। ठीक है, अब दूसरी बात ये कह रहा है क्या, दूसरी बात इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि h इक्वल टू बी बाई एल इंटू बी, मीन्स ऊंचाई इक्वल टू आयतन बट्टा लंबाई गुने चौराई। ये हम फॉर्मूला के तौर पे हम बताए थे इसे पहले वीडियो में, और आप उसे नहीं देखे हैं तो एक बार देख ले फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूला बताए थे इसे पहले वीडियो में, और ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर होते हैं, तो इस तरीके में फॉर्मूला आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इस क्वेश्चन, ये एक ऑब्जेक्टिव तौर पे क्वेश्चन था, हमने थोड़ा सा इसको लंबा करके समझाने के लिए बताया हूँ, बट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। आपको आयतन भी दे रखा है और कह रहा था कि इसका जो आयतन निकाले, और आयतन निकालने के बाद एक वो कह रहा था, एक क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे है, कह रहा है कि किसी घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई क्या कह रहा है, घनाभ की लंबाई जो है 2l है, ठीक है, चौराई जो है, चौराई कह रहा है कि ये लंबाई जो है 3l है, चौराई 2l है, और ऊंचाई जो है वो l है। ठीक है, लंबाई 3l, चौराई 2l और ऊंचाई l है, और कुल पृष्ठ जो कह रहा है, कुल पृष्ठ कह रहा है क्या s हो, तो हो तो कुल पृष्ठ हो तो कह रहा है कि साबित करना है इसको आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि लंबाई ये है, चौराई 2l है और ऊंचाई ये है, तो कुल पृष्ठ s हो तो s इक्वल टू पूछ रहा है कि आपको कुल पृष्ठ क्या होगा। आप कुल पृष्ठ इक्वल टू लिख सकते हैं, कुल पृष्ठ जो हम आपको बताए थे संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौराई प्लस चौराई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई, हम ये आपको बता चुके हैं इससे पहले। तो अब इसी फॉर्मूले पे बैठा दीजिए, एस इक्वल टू 2 इंटू लंबाई क्या 3l, चौराई 2l प्लस 2l मल्टीप्लाई l प्लस 3l मल्टीप्लाई l। ठीक है, अब एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 दुना 6l स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर प्लस 3l स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, l इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, 6 दू 8 3 11 ग्यारह दुना 22 एल स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ी अच्छी क्वेश्चन थी, और सारे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है जो कह रहा है क्या, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर हो तो उसका कुल पृष्ठ और आयतन लिखिए। अब जानते हैं हम घन का फिगर जो होता है, ऐसे बना दो, ऐसे 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 यहाँ से, ठीक है, ये मिला दो, ये मैच कर दो, ये मैच कर दो, ये मैच कर दो। अब मान लो कि ए ए ए ये तीनों है, मान लो कि ए की वैल्यू 10 दे रखा है, मैं मान लिया, ठीक है, किनारा को हम एल मान लिया जो हमें 10 दे रखा है, ऐसे हम ले लेते हैं किनारा जो आपको ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि किसी घन का प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर हो तो उसका कुल पृष्ठ क्या होगा। तब घन का कुल पृष्ठ क्या होता है, घन का कुल पृष्ठ क्या होता है, आपको हम बता चुके हैं फॉर्मूला में भी, इससे पहले भी बता चुके हैं, 6l स्क्वायर। ठीक है, l जो होता है इसका, जो भी हमने a लिया है तो यहाँ a भी डिनोट कर सकते हैं, l जो इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना, इसमें तीनों सेम होती है, तो आप इसको l डिनोट कर सकते हो, a डिनोट, कुछ x डिनोट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो 6 गुने l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 स्क्वायर, मीन्स क्या हो जाएंगे, 6 इंटू 10 इंटू 10 600, क्या हो जाएंगे, ये क्या चीज में दिया रखा है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दूसरे में ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, दूसरा में ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसका आयतन क्या हो जाएगा। तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू, या आप इसको कह सकते हो भुजा क्यू। ठीक है, बढ़िया है क्या, भुजा क्यू कह लो इसको। तो 10 × 10 × 10 इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन में देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कह रहा था कि अगर किनारा 10 दिया हो तो उसका कुल पृष्ठ क्या होगा। तो 6l स्क्वायर के हमने इसका निकाल दिया, इसका
कुल पृष्ठ निकाल दिया, संपूर्ण पृष्ठ निकाल दिया, और इसका आयतन हमने इस तरीका से निकाल दिया। इससे आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि किसी घन का विकर्ण एक्स है तो उसका एक किनारा बताइए। कह रहा है कि किसी घन का विकर्ण एक्स है तो उसका किनारा बताइए, किनारा क्या होगा। मान लिया विकर्ण तो दिया ही हुआ है, विकर्ण एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि किनारा क्या होगा, उसका किनारा हम जानते हैं कि घन का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर थ्री एल। अब यहाँ क्या हो जाएगा, थ्री एल इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक्स की जगह हमने एक्स लिख दिया डिनोट किया। उसके बाद उससे अच्छा है क्वेश्चन क्या है हम बता दूँ आपको, एक क्वेश्चन है, ये भी मस्त क्वेश्चन है। एक 2 मीटर लंबी भुजा वाले घन से 1 मीटर लंबी भुजा का घन काट लिया जाए तो घन का शेष आयतन घन मीटर में निम्नलिखित में कौन होगा। पहले कह रहा है कि 1 2 मीटर लंबी भुजा वाले घन से 1 मीटर लंबी भुजा वाले घन काट लिया जाए, ठीक है। 2 मीटर जब लंबी भुजा हो, लंबी भुजा हो तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन एक ही होता है तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, टोटल 8 मीटर, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है कि उसमें से 1 मीटर लंबी भुजा का घन काट लिया जाता है, जब 1 मीटर लंबी भुजा हो तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, वन का क्यूब वन, ठीक है। इसीलिए कटे हुए भाग जब कह रहा है कि घन काट लिया गया तो शेष भाग, शेष का आयतन घन मीटर मिलेगा, शेष का क्या हो जाएगा, शेष आयतन आपके पास 2 वाला ये है, इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे तो सेम हो जाएगा, ठीक है। ये इसका घन मीटर हो जाएगा, शेष का आयतन, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा था आपको, क्या क्या, ए ऑप्शन दे रखा है 1, बी ऑप्शन दे रखा है 3, सी ऑप्शन दे रखा है 7 और डी ऑप्शन दे रखा है 8, इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। ऑप्शन दे रखा है क्या, इसमें हम ऑप्शन आपको दे दूं, पहले ऑप्शन दे रखा है 5, बी ऑप्शन दे रखा है 10, सी दे रखा है 15, चौथा दे रखा है 25 और जो पांचवा है वो दे रखा है 125, ठीक है। ये सारे ऑप्शन है, ठीक है, जिसमें कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन एक बार फिर से मैं बता दूं, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। पहले हम 5 सेंटीमीटर किनारे वाले का निकालते हैं, किनारे वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा, का आयतन ए क्यू मीन्स 125, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन ए क्यूब मीन्स क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, ठीक है। तो कह रहा है कि विभक्त कितने में हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं यहां, इसीलिए विभक्त क्या हो जाएगा, 125 बाई 1, 125, ठीक है।
पांच तो होगा नहीं, दस होगा नहीं, पंद्रह होगा नहीं, पच्चीस होगा नहीं, 125। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काटा गया, तो बताइए इनका कुल पृष्ठ कितने, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन होगा। कह रहा है 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काट दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा आपको, निम्नलिखित में कौन होगा 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को। इस क्वेश्चन में कुछ अधूरा दे रखा है, कह रहा है क्या, एक क्वेश्चन जो था मैं इसे पहले जो कह रहा, 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काट दिया गया, तो बताइए इनका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या। बहुत ही सिंपल है, कुछ क्वेश्चन में ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब देख लो कि कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का, तो कुल पृष्ठ क्या होता है, घन का कुल पृष्ठ क्या हो जाता है, 6 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर लिखो, तो 6 × 4 = 24 बन जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों को, मतलब कि कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काटा गया, तो एक पैर पहले आप जब निकालोगे तो 6 × L² तो 6। ठीक है, तो इसको कह रहा है कि 8 भागों में काट दिया जाता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसमें जो ऑप्शन दे रखा है इसका कोई मायने नहीं है। जैसे कि हमने इसका जो कह रहा था, इसमें कह रहा था कि 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काटा गया, तो इनका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 8 में काटा गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ 8 घनों में काट दिया जाता है, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, ये अब इसका ऑप्शन देख लीजिए आप। इसमें कह रहा था कि वही 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काटा गया, तो बताइए इनका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हो गया, हमें आगे कुछ नहीं काटा गया वो, उसके बारे में ये सीधे सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दो इसका। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर दिए थे, तो 2 सेंटीमीटर को हमने करके उसका 24 आ गया। इसमें ऑप्शन दे रखा है एक 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दे रखा है 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, और सी ऑप्शन दे रखा है 8, और डी ऑप्शन दे रखा है 16। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, यदि किसी घनाभ की लंबाई ए मीटर, चौड़ाई बी मीटर और ऊंचाई सी मीटर, तो प्रत्येक किनारा को के गुना बढ़ा दिया जाए, तो उसके पूर्व आयतन और नए आयतन के अनुपात में क्या होगा। मान लिया जाए कि पहला जो अनुपात होगा घनाभ का, आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा आपको, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ए इंटू बी इंटू सी, मतलब ए बी सी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक किनारे को के गुना बढ़ा दिया जाए, सब मतलब के इसके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा घनाभ का नया जो घनाभ होगा आयतन क्या हो जाएगा। ठीक है, के सेम है, ये क्या हो जाएगा, एक के बी के सी के। ठीक है, तो ए बी सी इंटू के क्यू, ठीक है, के क्यू इंटू ए बी सी। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या हो जाएगा आयतन, नया आयतन क्या हो जाएगा, तो यही ए क्यू ए बी सी, क्योंकि ए से हमने मल्टीप्लाई कर दिया के से। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो मैं अभी बताऊंगा, मैं इसी के साथ में जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे थे, इसे आगे वाले जो वीडियो आने वाले वीडियो हैं उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि आपको और सारे ऑब्जेक्टिव, इसमें कुछ ही क्वेश्चन हम रख पाए हैं, और जितना भी क्वेश्चन है हमने अच्छे से बताने की कोशिश किया हूँ, और आपको अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि आपके पास आने वाले नए वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द पहुँच जाए। थैंक यू, बाय।